الله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين व आहबी अजमाइन व मंतबी अखुम बहसान इलामदीन अमाद अल्लाह सुबहैन व तै की तोफ़ी और उसके फ़ज़ल क़रम से इनशा अल्लाह सुबहन व ताली की एक सिफत सिफत असकूत इससे मुतल आज मालूम करेंगे इनशा अल्लाह सुबहैन वाली की सफ़ात और उसकी जो आसमाय हसना हैं उससे मतलब मैं कल ही हमारे एक साथी से बता रहा था कि यानी हम बहिशे एक इंसान यानी अपने वालदान अपने भाई बहन अपने दोस्त अहबाब साथ में रहने वालों के लिए इन कितना तारुफ हमें रहता है कितनी जानकारी हमें रहती है कितनी मालूम हमें रहती हैं बल्कि यानी मैं हमारे साथी से कह रहा था कि आ, सियासी लोग हैं फिल्मी दुनिया के लोग हैं खेल के लोग हैं इस तरह के लोगों को भी हमें हमें तारुफ रहता है और अच्छा खासा तारुफ़ रहता है कब पैदा हुए कब इंतकाल हुआ और क्या कुछ किया उन्होंने सब कुछ हमें मालूम रहती हैं चीज़ें लेकिन जिसने हमें पैदा किया है अल्लाह सुबहान तआला जिसकी तरफ हमें लौट करके जाना है हमारी ज़िंदगी उसके हाथ में है वो मुदब्बिर कायनात है जन्नत जहन्नम का मालिक है अल्लाह सुबहान तआला की रहम करम पर ही जन्नत मिलेगी लेकिन अल्लाह से मुतल तारुफ अगर पूछा जाए तो तारुफ नहीं है हमारे पास सिवाय इसकी कि मोटी मोटी दो तीन बातें हैं जो एक गैर मुस्लिम को भी रहती हैं कि ऊपर वाला ये दो तीन बातें तो गैर मुस्लिम भी जानता है इससे हट कर के एक तारुफ जिसे कहते हैं कि रब्बुल आलमीन का ये जो तारुफ है जो सिफ़ात है उसकी जो आसमाय हौसना है ये ये नहीं मालूम है बहुत ही बहुत अफसोसनाक बात है और अल्लाह सुबहान तला के आसमाय हौसना से मुतक मैंने एक एक जायजा लिया लोगों में कि जो है इतनी बात मालूम रहती कि अल्लाह के ना नानवे नाम है बस एक अदद ना नानवे नाम भी नहीं गिनवा सकते हैं लेकिन ना, नामों का माना नहीं मालूम है फिर मतलब और उसकी वजाहत तो बहुत दूर की बात है किस कदर अफसोस की बात है सुबह तो आज नब्बे क्लास हमारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह ये एक खुश आइन बात है अल्लाह का फजल है ये जो अल्लाह सुबहान तफा से मुख्य हमने काफी बातें आपके सामने रखी हैं आज जिस सिफत से मुतालिक गुफ्गो होगी जैसे कि मैंने कहा कि अल्लाह कहते हैं अरबी जुबान में खामोशी को जैसे एक शख्स कलाम कर रहा है करते 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 एक रुक जाता है तो उसके लिए सकता का लफ्ज आता है यानी सकता के माने आते हैं यानी खिलाफुल कलाम अभी एक शख्स कलाम कर रहा है तो वो मुतकलम है कलाम कर रहा है कलाम करते करते खामोश है अभी वो तो फिर कहते हैं कि साकित अभी भी, भी खामोश है वो सकता इस माने में कि कलाम करते हुए कलाम का जो जिद है बातचीत का जो जिद है इस माने में कुरानी मजीद में नहीं आया है, इस माने में। मजीद में सकता इस माने में आया है कि एक इंसान को जो गुस्सा आता है ना फिर गुस्सा जब उसका खत्म हो जाता है तो उसके लिए भी सकता का आता है जैसे कि मूसा आलिसम जब गए थे अल्लाह सुबहान तला से हम कलाम होने के लिए और जो है अल्लाह ने आपको तक बख्शा और तौरात भी अल्लाह ने आपको दी वापस आए तो बुद्ध परस्ती आपने देखा ना तो जो गुस्सा आपको था तो कुरान कहता है आराफ में हम मूसा मूसा जब का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो सकता वहां पर कलाम का जिद नहीं है जो गुस्सा था वो गुस्सा जाता रहा आपका ये माना वहां पर तो इस माने में बातचीत की खामोशी के लिए सकता के खुरान में नहीं आया है उसके बरखिलाफ नफाता का इदातूर यह बातचीत की खामोशी के लिए आता है चुप रहना तो सका था चुप रहना बात नहीं करना यह भी अल्लाह की एक सिफत है कैसे जैसे अल्लाह की शान की अल्ला सिफत के मुताबिक अल्लाह सिफत कलाम भी है अल्लाह तला की जिस पर हमने दो दर्श यहाँ पर दिए अल्लाह के तोफी सलम्दुल्ला यूट्यूब पे आ भी गया है वो जैसे अल्लाह कलाम करता है अल्लाह सुबह का सकूत भी है चुप रहना कैसे जैसे अल्लाह की शान के मुताबिक आज मैं आ, एक एक दर्स दे रहा था जाम मोहम्मदिया में वहां पर भी एक ऐसा ही लफ्ज आया था तो मैंने यही कहा कि शेखुल शेख उम अब रहा ने बड़ी उम्दा बात कही है इसको आप लिख के रख लें हमेशा के लिए मतलब सीने में लिख के रख लें कहा कि अलकौल अलकौल कि अल्लाह सुभान व तआला की सिफत से मुतल वही गुफ्तगू होगी जो अल्लाह की ज़ात से मुतल होगी अभी इन अशायरा को देखो आप जो हमारे हिंदुस्तान भर में हैं सऊदीया को छोड़ करके आस पास तकरीबन अशायरा हैं आप देखिए अल्लाह सुबह मैंने बारह कहा है ना ये बात मैंने आपसे कि अल्लाह सुबहाना की सिफत वजूद अल्लाह तला का वजूद इसका कोई इनकार करता है ये कहते हुए कि भाई मेरा भी तो वजूद है तशबी आजीम आएगी कैसे मखलूक के मुशाबे हो जा रही है चीज कोई कहता है अल्लाह सुबहान हयात सिफत हयात कोई ये कहता है कि भाई मुझे भी जिंदगी है और आम मखलों को भी जिंदगी जानवरों को भी जिंदगी है अल्लाह के लिए मैं नहीं कहूँगा ये क्यों इससे जो है मतलब तशाबो लाजीम आता है तस्वीर लाजि आती है एक्सानियत वाली बात हो जा रही है मुश्तरा का बात है ऐसे कोई कहता है कहता है कि अल्लाह तला के लिए हयात की को कोई नफी करता है वजूद की नफी करता है तो फिर उसी उसी उसूल की रोशनी में अल्लाह ताला की हर सिफत को मानिए कि अल्लाह की तफत वो भी है भले ही कलीमा लफ्ज मुश्तरक है दोनों में लेकिन माना अलग है मखलूक के लिए अलग ख़ालिक के लिए अलग यही तो असल है ना अल्लाह रब्बुल आलमी कलाम करता है बंदा भी कलाम करता है अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक नेमत है वो लेकिन मखलूक कलाम करना खालिद का कलाम करना दोनों अलग चीजें वालमा सल सुर नहल के आए थे अल्लाह तफत तो बहुत अला सिफत है तो अल्लाह सुबहान तै रहता है चुप रहता है कैसे कमा खुलिशानी जैसे अल्लाह के शान के मुताबिक ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला के लिए कैसे कहेंगे कि अल्लाह ताला चुप रहता है आपको याद है मैंने एक दर्ज दिया था मुस्तकिल पैंतालीस मिनट का जिसमें बात बताया था कि आहल सुन्ना जमा का यह मौकफ है कि वल जमा अल्लाह ताला के जब सिफात का इस में जब पेश करते हैं इस बात में जब पेश करते हैं तो कसरत से पेश करते हैं और मुफसल पेश करते हैं मुफसल अल्लाह ताला की ते सिफत है ये सिफत है इस तरह से जब नफी में करते हैं तो इजमालन इन द दरूरा जरूरत के बकदर जो साबित है वो तो बहुत कम है अल्लाह सुबहान तला के सिफात का इस बात इतना ज्यादा है इतना साबित किया गया है किताब सुन्नत में नफ़ी जो की गई है वो तो ना के बराबर है जैसे लता खुदन वालान नफी है अल्लाह को ओंग नहीं आती है अल्लाह सुबहानी लमत नफी की गई है तो नफी जो बहुत ही कम है बहुत ही कम है ना के बराबर है ना के बराबर मतलब उसके मुकाबल उसी हद तक उसको बयान करना चाहिए तो सकता ये भी उसी तरह से कि अल्लाह सुबहानो तफा कलाम है जो सिफात फैलिया में से जब चाहता है अल्लाह सिफ़ कलाम करता है वैसे ही जब चाहता है अल्लाह सुबहान सुकूत इख्तियार फरमाता है कमाए हमी, हमी, हमी हम इसी के मुकलफे हम कुरान मजीद में अल्लाह ये सिफत मधकूर नहीं है लेकिन हदीस मुबारक में ये चीज़ मौजूद है एक हदीस आती जो है बहुत मारूफ़ और कई सहाबा से मरवी है सलमान फारसी से अबू साबाखशनी से अबूदरदा से अब्दुलबिन अबा से मौकूफ़न रजी अल्लाजमाइन और बसनत साहि शखल बानी ने सही कहा ये एक हदीस है जो सोनन सोनन तिरमिजी और सुलन इबन के हवाले से मैं आपको सुना रहा हूँ

लेकिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात नहीं कर पाए सहाबी होने का शर्फ हासिल नहीं कर सके उन्हें मुखद्रम क्यों कहा जाता है वो तफसील है वो उस दर में मैंने कहा है तो ये जो अबू उस्मान उस्मानदी कुनियत से मशहूर है अब्दुलरहमान नाम था उनका लेकिन मशहूर हैं कुनियत से अबू उस्मान अबूस्मानदी रह के बारे ताब में से हैं तो सिता की सभी किताबों में आपकी मरवियात हैं वो कहते हैं कि सलमान फारसी रजी आप अली के इंतकाल के बाद जब साहबा दुनिया भर में फैल गए ना इराक़ चले गए मुल्क शाम चले गए सलमान फारसी रजिया मुल्क शाम की तरफ चले गए थे वो और वो फतुहात का दौर धीरे धीरे करके फतुहात हो रही थी इस्लाम की सरहदें बढ़ रही थी तो वहां पर जब यानी फतुहात के दौरान में एक मसला ये पेश आया कि ये जो जानवर जो 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 जंगली गधे होती नहीं जिसे हम जीबरा वगैरह कहते हैं तो उसकी खाल से बना हुआ जो लिबास है वो पहनना जायज है कि नहीं जायज है ऐसे एक सवाल आया था सलमान फारसी को रजी अल्लाह कि उसकी खाल से जो ही जो लिबास बनाया जाता है वो जायज़ है कि नहीं जायज़ है ये और इसी तरह से दीगर चीजें भी अलजुब एक लफ्ज आता है असमन एक लफ्ज आता है घी और पनीर और इससे मुतालिक सवाल आता लगे आपको तो सलमान फारसी रजी अल्लाह अल्लान की फिक्र देखे एक तो हदीस ए याद थी उनको और मसले को कैसे हल के देखे आपने माशाल्लाह देखिए आपको एक बात बताता हूं आपको जिमन मौजू से हट के लेकिन हमेशा काम आएगा आपको इनशाला से मुल्लिक है इबादात की जब बात आती है ना इबादत की असल क्या है मना असल क्या है मना है मिसाल के तौर पर अभी मैं और आप सब जाके अजान दे सकते हैं अजान दे के चलो आप अलग से नमाज पढ़ेंगे नहीं के बाद बात की नमाज है मैं कह सकता हूं कि भी आजान देने से मना कर रहे हैं कितने अच्छे कलीमांत हैं नहीं इबादत में असल मना है जब तक कि करने की दलील ना आ जाए लेकिन मामलात में असल जवाज जब तक कि मना की दलील नहीं आ जाती देखिए मेरे रंग अलग है लिबास का आपका रंग अलग है आपका रंग अलग है मैं अगर किसी से, से कहूं कि इस लिबास का नहीं पहना रंग का नहीं पहना चाहिए कि दलील वो मुझसे पूछेंगे क्यों इबादत मैं करने जाऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे क्यों इबादत अंजाम दे रहे हैं मैं टोकूंगा तो फिर मुझे ही दलील देनी पड़ेगी बस वाजी हो गया आपको चीज है तो ये हदीस मुबारक उसी से मुख्य है मैं मौजूद से हटके बस मसले को समझाया है मैंने वो हदीस क्या है सलमान फारसी ने कहा रजी कि देखो जो सवाल तुमने मुझसे किए हैं ना पनीर घी से मुतल और जो ये अलफिर अलफ्रा फरवन से जो वहाशी जो गधा होता है उसके उसके जो जो, जो, जो जंगली गधा उसके चमड़े से बना उसकी खाल से बना हुआ लिबास पहनने की शरयी हैसियत कहा कि देखो एक हदीस में आपको सुनाता हूँ उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हलालु मा अहल्लल्लाह हलाल वो है जिसको अल्लाह ने हलाल किया यानी नाम लेके भी ये हलाल है ये 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 वल हराम मा हरम अल्लाह और हराम वो है जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया बात आज होगी आपको अब वमा सकता अन्हु एक चीज़ क्या है अल्लाह ने हलाल किया वो हलाल है हराम मा और हराम वो है जिसको अल्लाह ने हराम किया अब दरमियान में क्या है वामा कहता लफ्ज़ देखो आप रसूलुल्लाह कह रहे हैं सल्लम वामा सकता अन्हु। और जिन जिन चीजों से मुतालिक अल्लाह ने खामोशी इख्तियार की फहुआ बिमा सुबह वाले हाँ वो तुम्हारे से लिए माफोन कुछ पुछ होने वाली बात नहीं है जो चीज़ हलाल है हलाल जो चीज़ हराम है हराम हाँ दरमियान की जो चीज़ें होती हैं वो अगर उसमें से कोई ऐसी चीज़ है मसलन जो हराम के उसके अंदर जो हराम जिक्र किया गया है कुरान मजीद में या उसूल बताए गए हैं वो उसूल इसमें है तो फिर उसकी बुनियाद पर वो हराम होगा क्स की वजह से वो वह देखा जाएगा फिर वरना असल क्या है वमा असा कह तयन हो अल्लाह सुबहान तला ने जिस जिस चीज़ से मुतालिक खामोशी इख्तियार फरमाई खामोशी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कलाम अल्लाह ताला की एक सिफत है सिफात फेलिया में से जब चाहेगा अल्ला खामो इख्तियारेगा लिशानी जिसे अल्लाह के शान के मुताबिक है बंदों की तरह मखलूक की तरह नहीं जैसे दीगर सिफातें रबू का नसी तुम्हारा रब तो भूला नहीं है ना इंसान है क्या कि मैं वो एक चीज बोलना भूल गया ये तो रब्बुल आलम ही अल्लाह से कहा भूल अल्लाह अकबर शेख अलबानी को हम देखते हैं राह उनकी किताबें पढ़ते वक्त वो तखरीज करते वक्त कहते हैं कि जो है मतलब किसी बड़े आलिम से मुझे कभी कोई चूक हो जाती है कभी शेख अलबानी से ही कि वो चीज़ उनसे उनके दिल दिलो दमाग से बात निकल जाती है हाफिजे से निकल जाती है कभी कोई बात तो फौरन लिखते हैं फसुबहान सिर्फ अल्लाह की शान ही है भी अल्लाह ही है जिसे किसी को भूल नहीं बंदे की तो मतलब बशरी तक है ऐसा लिखते हैं शेख अलबानी रहा तो जो है अल्लाह ने कहा अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ह मोहम्मा क्या रबिया तुम्हारा रब तो भूला नहीं है हैुर मजिद क्या थे तो फिर ऐसी सूरत में अल्ला सुबहान तै के फतीबी कि अल्लाह के शान के मुताबिक मजमोल फतावा जो शेख उमिया की के, के फावे जमा किए गए हैं शेख अब्दर इब्लिम ने उनकी जिंदगी पर भी मैंने मुस्तकिल एक मुहाजरा दिया अहमद तो मैं जो ढूंढ रहा था तो मुझे नहीं मालूम मैंने कहाँ रख दिया है छठवीं जील थी गुजश् हफ्ता भी लाना था भूल गया मैं उसमें शेख उमिन ने अबू बकर खुजैमा उनके हवाले से लिखा है और उनकी जम के तारीफ़ किए हैं और एक लीडर एक कायद के तौर तो पर पेश किया उन्होंने खुजैमा को रहमा कि इब्न ख़ुजैम रहा ने एक शख्स से बहस करते हुए कि जिसने कहा कि अल्लाह ताला ना कलाम करता है ना सुकूत इख्तियार करता है कहा कि दोनों से साबित हैं इब्न खुजैमा रहमा ने जिस मुदल अंदाज में उनके सामने गुफ्तगू की इब्न तयमान्य से नकल किया है रहमा कि ये अल्लाह सुबह वाली की सिफात में से जैसे अल्लाह की शान के मुताबिक हम क्या हैं इस बात के मुकलफ हैं कि अल्लाह तला की सिफात को पढ़े और जो है अल्लाह तला से हम मुतारफ हों हम इसी के मुकलफ हैं साहबा के पास देखिए कोई चपकलिश नहीं थी कोई पेचीदगी नहीं थी जबकि आप जानते हैं साहबा यानी हाफिज जलालुद्दीन सूती का नाम सुना आपने सुना है आपने नौ सौ ग्यारह हजर से उनका उनकी किताब है अल इतकान फीलान बड़ी 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 पते की किताब बहुत उमदा किताब माशा तो उसमें जो उन्होंने हिस्से मुकर किए हैं अन्ना उलावल पहली किस्म दूसरी किस्म से उसमें अस्सी अस्सी किस्में हैं उसमें जो आखिरी जो किस्म है उसमें मुफसरीन के जो तबक़ात हैं पहले सहाबा का फिर ताबेन का ऐसे उसको उन्होंने उसको बहुत उसको भी बहुत बड़ा तफसर से लिखा उन्होंने उसमें एक बात उन्होंने बहुत उमदा लिखी है एक एक आलिम के हवाले से लिखे है हाफिज दुनिया दुनिया नाम सुना आपने ये इमाम के से है। दो सौ एक्यासी हिजरी सन अब्बासी अब्बासी खिलाफत थी ना जो बादशाह होते थे उनके बच्चों के मुरब्बे होते थे वो उनके बच्चों की तरबियत के लिए रहते थे वो कई किताबें उनकी पूरा उनका उनका पूरा मौसुआ पूरा मजमू छपाया अच्छा उनका मेरे पास अलहमद लो उनके हवाले से उन्होंने लिखा लेकिन उनकी किताबों में मैंने देखा तो मुझे तो वो इबारत नहीं मिल पाई मुझे मुझे लेकिन होगी जो ने कहा है कहा कि सहाबा ने जो अरबी जुबान उनके अंदर थी वो तबई थी तबई कसबी नहीं थी कहते हैं समझा फिर इस बात को जैसे अरबी जुबान मुझे और आपको सीखना पड़ता है फिर भी देखिए आप उमूमा जो तालबिल अरबी जबान सीखता है ना उसे कुछ लिखने के लिए बोलो पहले उर्दू में एक एक जुमला बनाता है फिर उसको अरबी में ढालता है तो पढ़ते ही मालूम होता है कि जो ही, ये ये अरबी का उसलूब नहीं है, है कि नहीं तो सहाबा की जो अरबी दानी थी वो तबीयी थी कुरान नाजिल हुआ उन्हीं की जुबान में अरबी मुबीन उसलूब में कुरान नाजिल हुआ है ऐसे में कभी सहाबा को आपने ऐसी ऐसी परेशानी नहीं देखी उनके अंदर हमने इसीलिए हाफिज़ इब्न इबन आब्दुल्बर रहमाला की एक मतलब इबारत मैंने यहीं पढ़ करके सुनाया था मैंने गुज्तर क्लास में मैंने कहा था अतम के हवाले से उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला सहाबा से राजी हुआ और सहाबा का यही अकीदा था अगर वो अल्लाह ताला की सिफात को यूं ही मान लेते और वो गलत होता तो अल्लाह ताला उनकी कभी तारीफ़ नहीं करता और अल्लाह ताला उनसे कहता कि ताविल होनी चाहिए और ताविल नहीं की सहाबा ने और अल्लाह ने तारीफ़ की उनकी मदा की उनकी उनकी शान को अल्लाह ने बढ़ाया और यही अहल सुन्न का अकीदा ऐसे का अब्दुल बर ने रहमा अल्लाह जजाकल्ला वखेरा तो बहरहाल ये आज की मौजूद से मुतल यही बात थी मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह सुबहान वाली हमी अल्लाह ताला की सिफात को पढ़ने और उसे अपनी ज़िंदगी मिलाने की तोफ़ी ख़ता फरमाएँ सुबहान अल्लाह हमदिकशद अस्ताफ़र का